कमजोरी है मन की, छोड़ता नहीं है, छूटता नहीं है, लेकिन फिर जो इसका संसार है ये सोचता है वो संसार के लोग भी सब यहीं जुड़ जाएं, फिर ना वो सुखी हो जाएंगे। वो सुखी नहीं हो जाएंगे, ये तुम्हारी ममता का एक रूप है। तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी ममता को पानी मिलेगा। मन खुश होता है कि ये तो बढ़िया काम हो जाएगा, मिलने की जगह बन गई एक, भाई मिलो, सत्संगियों से मिल रहे हो, रिश्तेदारों से भी मिल लो, कौन मना करेगा तुम्हें। फिर अंदर वाले को संतुष्टि भी हो गई, गुरु की शरण आ गए हैं, उनको भी ज्ञान मिल गया, वो भी खुश रहेंगे। तो अगर संसार में अपनी स्थिति देखो तो यही थी ना, कि उनके सुख में सुख मानते थे और उनके दुख में दुख मानते थे। तो तेरा जीव भाव तो वहीं का वहीं है। कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली, तुम एक बार अपने से बात करो, वो यहाँ आ भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, उनको गुरु के प्रति श्रद्धा भी आ जाएगी, फिर तुझे क्या मिलेगा, तेरी मेहनत ही बढ़नी है, क्योंकि तेरा बार बार ध्यान जाएगा। आज वो सत्संग क्यों नहीं आए, अच्छा सुन रहे हैं, आज उनके मतलब की पॉइंट चल रही है, सुन रहे हैं, तुम्हारा दिमाग सारा उन्हीं में चला जाएगा, सत्संग भी अपने लिए सुनना भूल जाओगे, उन्हीं के लिए सुनोगे, उन्हीं को सोचोगे, तो अपनी आसक्ति बढ़ाने वाली बात है। अगर किसी का संयोग होगा वो अपने आप आ जाएगा, हमें वो भी ख्याल करने की क्या ज़रूरत है, हम शांत रहें अंदर से। ये जो मन को बार बार खींच होती है ना, ये हमारे अज्ञान की वजह से, अपने मोह की वजह से। किसी का भी संकल्प नहीं आना चाहिए। अब ये ना कहो शुभ, ये ना कहो अशुभ, तुम शुभ अशुभ के त्यागी क्यों नहीं हो रहे हो, फिर सोचते रहते हो। अच्छा तो सोचना चाहिए, अच्छे के लिए तो सोच रहे हैं, फिर उनका भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हें शुभ भी नहीं सोचना है, शांत करके बैठो। कभी कभी लालच देते हो घर वालों को, अच्छा सत्संग चलो, वो आके क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें चुटकी काटेंगे, चलो चलो देर हो रही है चलो, या कुछ ऐसा उठा ले जाएंगे सत्संग से, अच्छा तुम्हें ये सिखाया जाता है, अब पता तो है नहीं सत्संग क्या है। अब एक दिन कोई भी वाणी चल रही हो, कहेंगे अच्छा तुम्हें ऐसा सिखाते हैं, आफत खड़ी हो जाएगी। और बड़े में बड़ी बात तो ये है कि मैं अंदर से निरसंकल्प क्यों नहीं हूँ। प्रश्न तो अपने से ये करना है, मैं निरसंकल्प क्यों नहीं हूँ। कभी भी किसी को साथ लेके मुक्त नहीं हुआ जाता है, मुक्ति हरेक को अपनी खुद करनी होती है। कौन किसी के साथ मुक्त हुआ है बताओ। अगर अष्टावक्र मुनि पहुँचे राजा जनक के पास, क्या राजा जनक ने बोला रुको पत्नी को बुला लूँ, बच्चों को बुला लूँ, दर्शन करवाता हूँ आपको, आपके दर्शन करा दूँ, उद्धार हो जाएगा उनका, आया उसको ऐसा ख्याल? नहीं आया ना, क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है कैवल्य, स्वयं, दूसरी बात नहीं हो सकती। जीवन मुक्त पुरुष वही कहलाता है जो भीतर से एकांत अनुभव कर ले और निराश भी ना हो, आनंदित हो, यही तो मुक्ति हुई ना। और जब आप कुछ पकड़ रहे हो तो बंधन है, मुक्ति नहीं है। चाहे यहां भी कुछ पकड़ के आ जाओ, बंधन है। बंधन क्यों पाल रहे हो, और बात मुक्ति की भी कर रहे हो साथ साथ, ये सब बंधन है। जहां जहां कुछ भी पकड़ा हुआ है ये तेरा अज्ञान है, इसको निवृत्त करो।
जब तुम्हें अपनी मैं भी नहीं पकड़नी है, पर ये मेरे कहां से आ गए? कुछ भी नहीं पकड़ना है ना, बिल्कुल अंदर से खाली होना है। किसी का संकल्प अंदर नहीं स्फुरित होना चाहिए। जब ब्रह्म स्वरूप हो तो संबंध किससे बनता है? ब्रह्म का संबंध हो सकता है किसी से? ब्रह्म स्वयं ही स्वयं है, अद्वैत है, तो उसका संबंध किससे बनेगा? संबंध हमेशा द्वैत में है। जब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जानते हैं, तो उससे हम संबंध कायम करते हैं। मैं ही तो हूं, क्या कभी हमने अपने से संबंध भी जोड़ा है? ये दृष्टि क्यों नहीं पक्की होती है? एक ही भाव क्यों नहीं पक्का होता है? ये फिर दूजे का संकल्प, दूसरे की बात, दूसरे का विचार, ये सब क्यों आता है अंदर में? इसका मतलब संबंध मान के बैठे हो। इफेक्ट भी इसीलिए होता है, विचार भी इसीलिए चलते हैं। कोई मुझे ये कह रहा है, कोई मुझे वो कह रहा है, तुम प्रभावित क्यों हो रहे हैं? निर्लेप नारायण क्यों नहीं है तुम कि मुझे किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं है? कहने वाले कहते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, पर लिहाज भी कहां से पैदा हो रहा है? जब स्वार्थ आ जा रहे हैं, संबंध आ जा रहे हैं, तो लिहाज की भी भावना आ रही है। मन लिहाज में फंसता है, फिर किस चीज का लिहाज है? किसका खाते हो? पूछ के देखो ना अपने से। मन जब लिहाज में फंस रहा है, मतलब वो फिर जीव भाव में आके स्वार्थ के संबंध बना रहा है अपने, पर उसको लिहाज आ जाता है। क्या करूं इसकी माननी पड़ेगी, क्या करें उसकी माननी पड़ेगी, ये इस और उस कौन है भाई? ये इस और उस कौन है जिसकी तुम्हें माननी पड़ेगी, जिसके पीछे तुम्हें चलना पड़ेगा? कभी पूछा है अपने से? ये बोला ना गुरु ने, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। रेशम का कीड़ा है, उसके मुंह से ही रेशम निकलता है, और फिर वो उस में लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, खुद ही फंस जाता है। फिर शायद उसको उबाल लेते हैं तो कीड़ा मर जाता है, रेशम निकाल लेते हैं। ये तेरे ही मन से, तेरी मनोमय सृष्टि की तारें निकल रही हैं सारी। किसी ने कहा तो नहीं तेरा, कोई पेपर है ये तेरा है, लेकिन तेरे मन ने माना हुआ है। अब वो तुम्हारे ही अंदर से मुंह की तारें निकल रही हैं सारी, अच्छा बुरा लिहाज, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। अब फिर इसी में जकड़ते रहते हो, फिर कहते हो छूटे कैसे? छड़ता छूटी, जब तक छोड़ेगा नहीं छूटेगा कैसे? ये युक्ति तुम्हें आनी चाहिए कि मुझे कैसे छूटना है। देखो जब कोई बोलता है ना, हम छूटना चाहते हैं पर छूट नहीं पाते हैं, हम समझ जाते हैं कपट कर रहा है वो हमसे। क्योंकि जब तेरे अंदर छूटने का संकल्प हो जाता है, स्वरूप को समझते हो अपने, शेर को लगा मैं शेर और गाय के खूंटे से बंधा हूं, कितनी देर बंधा रह सकता है? वो एक झटका मारेगा, निकल जाएगा। तुम विचार क्या सोच के करते हो? मैं पति तो पत्नी के खूंटे से बंधेगा, मैं बाप तो बच्चों के खूंटे से बंधेगा। तुम विचार ही कहां कर रहे हो कि मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, मैं शुद्ध स्वरूप? तो अंदर उलझन होए ना, शेर को इंसल्ट फील हो रहा है कि मैं गाय के खूंटे से बंधा हुआ हूं,
तुम कभी अपने स्वरूप की विशालता को अनुभव करते हो? जो तुम्हें ये महसूस हो कि ये जीव सृष्टि मेरे से लागू ही नहीं होती है, ये मेरा हिसाब किताब ही नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, विचार चलता है कभी ऐसा? जीव बन के सोचोगे तो हमेशा दोराहे पे खड़े रहोगे। ज्ञान भी सुनते हो ना, जीवों के सुनते हो, तभी तो उलझ जाते हो। आप कभी कहते हो सेवा करो, कभी कहते हो छूटो, कभी आप कहते हो ऐसे करो, कभी आप कहते हो वैसे करो, फिर इतना छूटना पॉसिबल है क्या? क्या सोच के इतने सब प्रश्न आए तुम्हारे अंदर जीव बन के? आत्माकार को तो ये बातें हैं ही नहीं, जीव की है सारी टेंशन। मुक्त स्वरूप होते हुए स्वयं में बंधन का अभिमान करता है। बंध अभिमानी बंध है, मुक्त अभिमानी मुक्त है। जो अंदर बंधन का अभिमान कर रहा है, मैं जीव हूं, मैं बंधा हुआ हूं, उसका बंधन कोई खोल ही नहीं सकता। खोल भी देना पकड़ के, तोता था अंग्रेज के घर में, कोई भी सड़क से निकले फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, एक को दया आ गई, उसने पिंजरा खोल दिया, बाहर आया तोता, फिर अंदर भाग गया। अरे तोते अंदर दोबारा क्यों चले गए? कहता है पिंजरे का मोह भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। फ्रीडम तो चाहिए पर पिंजरे की ममता नहीं छूट रही है। आप भी अपने से विचार करके देखो, फ्रीडम तो चाहिए लेकिन पिंजरे का मोह वो नहीं छूट रहा है। फिर आसक्ति चली जाती है, ध्यान चला जाता है, ख्याल जाता है। रोक के देखो अपने से। एक दिन गुरु बोलता है अच्छा आज फोन नहीं करना, मैं मेरे में जहाँ रोज बात होती है बच्चों से, अक्सर आजकल तो मोबाइल हो गए हैं, फैशन हो गया रोज बात करनी है, तो मैं हम बोलते हैं आज बात नहीं करना। अब सारा दिन ये ध्यान लगा रहेगा आज बात नहीं करी, आज बात नहीं की, आज बात नहीं की, है ना जुड़न? भी ऐसे आप लोग बोलोगे जुड़न नहीं है, बस ये तो ऊपर से निभाना है। फिर एक फोन हो जाता है, उसको भी शांति, मुझे भी शांति, तुम्हें करने या ना करने में शांति होनी चाहिए या करने में शांति होनी चाहिए? नहीं किया तो भी ध्यान ना जाए। कभी अपने में इतने गुम तो हो जाओ कि संसार का कोई संकल्प ही ना उठे। किसी दिन तो ऐसी समाधि में चले जाओ जग की प्रलय हो जाए। नहीं करना अनुभव इन बातों को कि किसी दिन मेरे अंदर होश ही ना आए, मालूम ही ना पड़े। भगवान कभी कभी बोलते थे, हम वॉशरूम में भी जाते हैं सुबह नहाने बाथरूम में, मैं तो भूल जाती हूँ सिर में शैम्पू डालना भी। हम हैरान होते थे जब बंदा अंदर नहाने गया तो कैसे भूल सकता है, पर फिर ये बातें अनुभव में आई, याद करना पड़ता है कभी कभी हम नहाने आए हैं अंदर। वृत्ति तुम्हारी इतनी हो जाए परमात्मा में कि तुम्हें बाहर की क्रियाएं भी औखी लगें। राजा जनक ने कहा दातुन और लोटा भी दूसरा देता है मुझे, तब मुझे उसका भी संकल्प नहीं आता है। ज्ञान की स्थिति क्या चलती है और तुम्हारे अंदर दिन भर विचार कौन से चलते हैं? अपने विचारों का ब्यौरा दे सकते हो? तुम्हारे अंदर कौन से विचार चलते हैं जरा वो देखो। और ये सच्चे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत सारे चलते हैं, व्यर्थ खेचल बहुत है,
जिन बातों से वास्ता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, उनके भी विचार चले जा रहे हैं। वो एक अलग बात है, ज्ञान से शायद हटाने आ गए होंगे, लेकिन इतनी ब्रह्माकार वृत्ति बने, इन सब तरफ ध्यान जाना ही बंद हो जाए ना, काय के लिए ध्यान भटकाते हो? अभी आंख बंद हो जाएगी फिर तुम्हारा किससे संबंध है? फिर तो किसी से नहीं है। तो जीते जी आंख क्यों नहीं बंद करते हो? समझने वाली बात यह है कि हम जीते जी भी तो आंख बंद कर सकते हैं, हम रहते हुए संसार में न्यारे हो सकते हैं, ऊंचे उठ जाएं इस झगड़े से बेकार के। सारी जो खेचल है जीव सृष्टि की है, तो हम ऊंचे उठ जाएं इन ख्यालों से, बातों से, विचारों से, मगन रहो मन माए, अपने स्वरूप में मगन रहो। जब ईश्वर से सब होता हुआ नहीं दिखता तो फिर अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है, राग भी होता है, द्वेष भी होता है, लेकिन जब सब ईश्वर से चल रहा है तो इतनी भी तो वृत्ति लगाने की जरूरत नहीं कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। है जरूरत परमात्मा के किए को भले और बुरे का नाम देने की जरूरत है? शांत अंदर वाला क्यों नहीं होता है? बाहर का मौन आ जाता है, अंदर वाला तो निरंतर बोलता है, नींद में भी बोलता है, आधी रात को उठो तो भी मेरा कुछ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? सत्बुद्धि है ना जगत में, तभी बोल रहा है, नहीं तो क्यों बोलेगा? सच मान रहे हो, घटना सच मानते हो, बातें सच मानते हो, द्वंदी जोड़े भी सच मानते हो। सच है क्या? मान सच है, अपमान सच है? पूछ के देखो एक बार अपने से, क्या सच है? सच तो कुछ भी नहीं है, पर अपना ही माना हुआ बांधता है हमको। अब आप कहते हो सृष्टि के द्वंदी जोड़े बांधते हैं हमें। द्वंदी जोड़े नहीं बांधते, आप खुद बंधते हो, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। अभी गन्ने का रस निकालते हैं, मशीन चल रही है, वो थोड़ी आपकी उंगली को, हाथ को खींच लेगी अपने में, लेकिन आप कोशिश करोगे एक उंगली देने की तो फिर वो कचूमर निकाल देगी। हाथ तो तुमने डाला। द्वंदी जोड़े हमें नहीं बांधते, हम उनको स्वयं में मानने लगते हैं। अब आप देखो सृष्टि में लाभ या हानि क्या है? ना लाभ होता है ना हानि होती है, जो जहां है वहीं रह जाना है। लाभ हानि है, लेकिन लाभ हानि में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। किसका प्रॉफिट, किसका लॉस? मेरा बड़ा मान हुआ, मेरा बड़ा अपमान हुआ। कौन हो तुम? तुम हो कौन? इतना समय गुरु पढ़ाई कराता है, संसार में जाओगे परीक्षा होगी, क्या दिक्कत है? हर परीक्षा से पास होके आओ। दृष्टि बना लो, सब कुछ तुम्हें बहुत प्यारा लगे, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा है, पूरा समय अंदर लगे सब कुछ बहुत प्यारा है। कोई बात तुम्हें लगनी नहीं चाहिए कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ज्ञानवान का स्वभाव कैसा हो? जहां बैठे सबको अपने प्यार से बांध ले। युधिष्ठिर देखो नरक से निकले एक मिनट खाली,
सारे नरकवासियों को ठंडक पड़ गई। ज्ञान के बाद हमारी जीवन ऐसी हो, हम जहां बैठे ठंडक पड़ जाए सबको, हमारा व्यवहार, हमारा आचार विहार, उठना बैठना सबको सुख दे। पर वो कब देगा? जब मेरे अंदर से मैं और मेरा निकलेगा। अगर ज्ञानी भी समझो अपने सुख के लिए सोचे, फिर वो सर्व को सुख नहीं दे सकता है। अगर मैं मेरे वालों के लिए जिए, फिर सबके लिए नहीं जी सकता। एक काम होगा ना, जब वो सर्व के हित के लिए जीता है तो अपने वालों से वो क्या दूर होता है, वही लोग छूट जाते हैं, उससे पीछे रह जाते हैं। अपनी मैं नहीं रखता तभी निष्काम हो सकता है। कोई अपनी मैं जीवित रखेगा तो वो सकाम रहेगा, निष्काम नहीं हो पाएगा। हमारी फीलिंग ये हो, हम जहां बैठे हम सबको ब्रह्म दृष्टि से देखें। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। अब ये विचार नहीं करना है क्या ऐसों को राम देखें, राम ही तो देखना है, वरना कोई ना कोई राग या द्वेष का संबंध बन जाएगा। अगर राम नहीं देखोगे, अच्छे चलेंगे, उनसे राग का संबंध हो जाएगा, मनासक्त हो जाएगा। जो मन मुआफिक नहीं चलेंगे, उनसे द्वेष का संबंध हो जाएगा। संबंध रहत आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। मैं आत्मा संबंध रहत हूं। अब ये नहीं जो चार संबंध है खाली, इनसे मेन में राग और द्वेष के संबंध से छुटा हुआ हूं, क्योंकि जहां जहां मेरी स्वार्थ पूर्ति है वहां वहां मेरा राग है, जहां नहीं है वहां द्वेष है। तो मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, तो मेरी शुद्धि कैसी है कि मुझ में राग और द्वेष का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। सिर्फ डिवाइन लव का फ्लो होना चाहिए आपके अंदर से, ओनली डिवाइन लव। ना किसी के कर्म में जाओ, ना किसके स्वभाव में जाओ, ये सब तो चलता रहेगा। जब दादाजी से पूछा किसी ने कि दादा जरूर घर जाके बेटे को बेटा, बेटी को बेटी, पति को पति तो देखेंगे ना, दादा ने बोला एक भंगी बुला लाओ बाहर से, उससे पूछो वो क्या देखेगा, वो भी यही देखेगा। बोला फिर तुम ज्ञान सुनने क्यों आए हो, जब तुम्हारी भी दृष्टि वही है, तुम्हारी दृष्टि तो साफ होनी चाहिए ना, तुम्हारे अंदर तो दर्पण साफ हो, तुम तो दूजा ना देखो, क्योंकि गड़बड़ सारी यहीं से है। जो हम अंदर संबंध बना देते हैं राग का या द्वेष का, फिर आत्मदृष्टि नहीं हो पाती। अगर आपको कहें अब आत्मदृष्टि रखो, नहीं रख पाओगे। तभी जब सत्संग आते हो ना, शुरू से पहले दिन से आप लोगों को कहा जाता है सबको माफी दे के बैठो, सब बातें भुला के आओ। क्यों? अंदर राग और द्वेष का भाव है, आत्म भाव हो ही नहीं सकता। गुरु जितना मर्जी कोशिश कर लेगा, वो आपको आत्म भाव नहीं बना के दे पाएगा। लेकिन आत्म भाव उसका बन जाएगा जो अपने मन को इन दो संबंधों से खाली कर देगा। जड़ से, चेतन से संबंध तो हम ही ने माने हुए हैं ना, ये चीज मेरी, ये चीज तो कह भी नहीं रही मैं तेरी हूं, हम कह रहे हैं ये चीज मेरी है, हमारा संबंध है ना, राग है। जिस चीज को मेरा कहते हो उससे राग हो ही जाता है, ये चीज मेरी, राग हो गया। अब राग होने से उसका चिंतन आएगा, मेरा मान लिया पोजीशन आएगा। दादाजी को बोला आपका शरीर ठीक नहीं था, आपका ध्यान कहाँ गया? वो कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ गया, मैं बता सकता हूं।
तुम्हारा ध्यान गया बच्चों में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ जिसकी पोजेशंस थी। मेरे को मेरा ही नहीं है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? अब हमारा स्वभाव है ना हर चीज से अटकने का, जहां हम बैठते हैं दूसरी जगह से कंपैरिजन करते हैं। एक होटल में भी चले जाओ, वो फलाने शहर के होटल में गए थे वो अच्छा था, अब आज वाले को एंजॉय कहां से करोगे? आनंद में रहने की आदत ही नहीं बन सकती क्योंकि राग और द्वेष आपके साथी हैं, ये आपको कहीं शांत होने ही नहीं देते हैं। एक सत्संगियों के साथ भी रूम में रहा दिया जाए, पहले वाले ग्रुप में आए थे ना वो जो दो लोग थे वो अच्छे थे, या फिर तुम बड़े अच्छे हो वो पहले वाले ऐसे थे, संबंध बनाते हो ना जहां बैठते हो। अच्छा करके देखने की आदत ही नहीं बन सकती जो व्यक्ति राग द्वेष के भाव बनाता है। क्यों पैदा होने देते हो मन में भाव? किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनु कोई भी कलेश नहीं। मेरे अंदर कलेश क्यों चले कोई भी? एक तरफ हमने इकरार किया, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, शरीर को रहना है ना, महल में रहे, झोपड़ी में रहे, कहां भी रह जाए, फिर इससे भी मेरे का संबंध आ जाता है, मेरा शरीर, फिर इसको सुख मिलना चाहिए, फिर ये जहां रहे अपने तरीके से रहे, आ गया फिर अज्ञान, फिर पहुंच गए अपनी जीव सृष्टि में। आत्माकार का कितना ध्यान जाना चाहिए बाहर की तरफ? कुछ भी नहीं, सारा ही रहन बसेरा है, नाइट शेल्टर है पूरी धरती, कहीं भी पड़े रहो क्या करना है, आखिर तो रात बीतेगी, चल मेरा भाई उठानी है डोली और क्या होना है, कितना रहोगे? कभी विचार करके देखते नहीं हो कि हमारे अपने ख्याल ही हमें हलचल में डाले रखते हैं। प्रकृति बुरी नहीं है बाहर से, पर अपनी प्रकृति से सुख लेना ये भी तो हमको आना चाहिए ना, कि हम अपनी प्रकृति से सुख चुन पाते हैं। हमें जहां भगवान बिठाता है हम वहां से आनंद ले पाते हैं, या हम अपने लिए कुछ ना कुछ चुनते रहते हैं क्योंकि संबंध बना लिया अपने स्वार्थ का। निस्वार्थ होकर के रहो, जहां मर्जी रह जाओ, सोने के पलंग पे सुला दिए जाओ, चटाई पे डाल दिए जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? शरीर को आराम ही तो करना है, कहीं भी लेट जाएगा, खाना ही तो है, कुछ भी खा लेगा, हलचल क्यों हो हमारे अंदर? आज किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान से कितनी बार ये बात सुनी होगी, अच्छों से सब गुजारा करते हैं, तुम जरा बुरों से भी करके दिखाओ। सुनिए बात कितनी बार, अच्छों से तो दुनिया गुजारा कर रही है, लेकिन जो अच्छा नहीं चलता तुम उससे भी गुजारा करके दिखाओ तो ज्ञानी हो। अनुकूल में भी कूल रहो, प्रतिकूल में भी कूल रहो तो ज्ञानी हो, वरना जहां संबंध देह से बना लिया वहां तो फिर बहुत बड़ा जगत खड़ा हो जाता है। घर में एक व्यक्ति मरता है, अलमारी खाली, कमरा खाली, कितना सामान खाली हो जाता है। एक शरीर से वास्ता बना के घर भरा पड़ा था, नहीं? एक आदमी जाता है घर से, देखो अलमारी खाली हो गई, कपड़े बट गए उसके, कुछ किताबें पड़ी थी, कुछ फाइलें पड़ी थी, चलो हटाओ हटाओ हटाओ, पलंग खाली, कमरा खाली, अलमारियां खाली, आराम से किसी का राज हो जाता है उस कमरे पर, बड़े आराम से। ये सारा जीते जी का परपंच है कि नहीं है? जब तक ये शरीर है बहुत परपंच फैला पड़ा इसका, उसके बाद तो कुछ नहीं।
तो क्यों नहीं सोचते हो कि ये सब रहन बसेरा है? क्यों मैं इतना संबंध जोड़ना चाहता हूं? मेरा कमरा, मेरा पलंग, मेरा घर, मेरा बाथरूम, मेरी चीज, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं वो नहीं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते हो भाई? वो समय याद करो जब तुम्हारे घर में बाथरूम भी नहीं होते थे, कुएं पे जाके नहा लेते थे लोग, जंगल में जाते थे फ्रेश होने के लिए, वो भी तो समय था। आज इतनी सहूलियतें होने के बाद हमारे नाज नखरे कितने बढ़ जाते हैं, काहे के लिए? शरीर को जितना सुख दिलाओगे उतना आदति हो जाएगा और मांगेगा, इसको क्या है, दिलाते जाओ ये और मांगता जाएगा। पर इसको तपस्या में रखोगे तब सीख जाएगा। मेहनत तो अपनी है अपने साथ, यहां आके भी संबंधियों में ध्यान लगाओगे ज्ञान में निश्चय कभी नहीं हो पाएगा। यहां आके भी शरीर से नाता नहीं तोड़ा तुमने, ज्ञान कभी नहीं लगेगा। शौ नेड़े, देखो हैरानी क्या है, शौ नेड़े धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे? शौ तो नेड़े है पर तुम ढूंढने जाते हो बाहर, बाहर है नहीं भीतर है, भीतर आने की तुम्हें आदत नहीं, बाहर भटकने की बहुत आदत है। इधर जाऊं इधर जाऊं, कहां जाना है? अमंगल दुनिया में नहीं है, अमंगल अपनी सोच में है। अगर अपनी सोच सही हो जाए अमंगल कहीं नहीं है, पर अमंगल इंसान के मन में होता है, अमंगल इंसान के विचारों में है, बाकी तो सब मंगल ही मंगल है, किसको अमंगल कहें? होता है कुछ अमंगल? आपका अहंकार अमंगल है, आपके विचार अमंगल हैं, आपकी सोच अमंगल है, बाकी तो मंगल ही मंगल है। शुद्ध भाव है सारे के सारे, ईश्वर ही ईश्वर है, फिर हम काहे अटक रहे हैं, काहे फंस रहे हैं? काहे सोच करे है प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी। और अगर एक प्यार का स्वभाव बन जाए, जहां जाओ वहीं प्यारे हैं। अभी हम लोग किसी शहर चले जाएं, पीछे वालों की याद क्यों नहीं आती? जहां चले जाओ वहीं प्यारे मिल जाते हैं, सबको प्यार कर लो, सबको अपना बना लो, बात खत्म। दीवारें खींचोगे, हदें खींचोगे, सूंग सूंग के प्यार करोगे, भगवान कहते थे बिल्ली की झुंड में जाओगे, बिल्ली सूंग सूंग के खाती है ना चीजें, तुम सूंग सूंग के प्यार करते हो, ये मेरा है ये मेरा नहीं है। क्या आत्माकार की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए? आत्माकार जहां बैठे आनंदित प्रसन्नचित मौज में खुशी में, दूजा भावी नहीं है, कोई मांगी नहीं है, इच्छा ही नहीं है। जब ये स्वार्थ की भावना जागती है तभी तो सारा काम खराब होता है, कि कुछ पसंद कुछ ना पसंद, समझो मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। अब लगेगा मुझे कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद, अब इतने सारे तुम बैठे हो, लगेगा कोई अच्छा है कोई बुरा, सारे इक्वल हैं, क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। बाकी जो उठे वो अर्जुन, जो हमारी बात कैच कर ले, वो अपना निश्चय कर ले, अपनी स्थिति बना ले, हमें वो भी परेशानी नहीं किसी से, ये भी परेशानी नहीं, कोई आया उसने अपने को बनाया या नहीं बनाया, भाई अगले को बनाना है अपने लिए नहीं बनाना अपने लिए, हमें क्या टेंशन है?
हमें क्या फिक्र हो सकता है। अभी यहां भी कर्ता बन जाएं, हम सुनाने वाले, हम बनाने वाले, फिर एक नई आफत पैदा हो जाएगी, सब में ध्यान जाएगा, इसने निश्चय किया कि नहीं, ये सुन रहा है कि नहीं, ये अनुभव कर रहा है कि नहीं। हमारा काम है गाइडेंस देना। अब तुम बताओ तुम चले कि नहीं चले, तुम देखो तुमने हमारी बात को अमल में लाया कि नहीं लाया, ये तुम देखो। क्योंकि अमल में लाना भी तुम्हें अपने लिए, नहीं लाना भी अपने लिए। हमारा ना यूं कुछ घट रहा है ना यूं कुछ घट रहा है, मानो तो भी आप है, ना मानो तो भी आप, ना मानने से भोगोगे तुम अनेक संताप, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। क्यों संबंध बना ले, यहां भी दादा ने मना किया, ना ही ठाकुर ना ही दास, ना गुरु है ना शिष्य है, संबंध क्यों बना ले यहां पर भी, यहां भी संबंध बना ले तो रोते रहोगे, मुश्किल में आ जाओगे, इसीलिए कोई संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। एक संबंध तेरा स्वयं से हो जाए बस, बाकी संबंध सब मिथ्या है। एक अपने आत्म स्वरूप से जुड़ जाओ, जागृत हो जाओ, इसके अलावा सब झूठी कहानी है। प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा, या तो भाई ही भाई को खाए, जग ऐसा राय, कोई आए कोई जाए, पर भूल के यहां कोई मन ना लगाए, तो सराय है सारी, यहां मन क्यों लगाना। मन लगा लोगे तो फंस जाओगे। तभी भगवान ने अर्जुन को बोला, सबसे मन हटा के मेरे में मन रख, मेरे को अपना सब कुछ जान, इसीलिए तो बोला उसको कि अगर ये दुनियावी संबंध कायम रखेगा तो फिर फंस जाएगा। लेकिन एक ही संबंध परमात्मा का काफी है, एक ही संबंध अपने स्वरूप से काफी है, और कोई संबंध बना के क्या करना है। अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए हम कहीं तक भी घूम जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दादी पुनवानी की बात आती है, एक दिन गीता भगवान उनके घर गए, भजन चला तो उनकी पोती नाचने लगी, तो दादी बार बार गीता भगवान की बांह पकड़े, भगवान आपके प्रेम में कैसे खुश हो रही है, आपके प्रेम में कैसे नाच रही है। दो तीन बार तो सुन लिया गीता भगवान ने, चौथी बार बोलते हैं, मेरे प्रेम में नाच रही है या तेरी पोती नाच रही है, मेरे प्रेम में नाच रही है ये खुशी नहीं हो रही, पर वो तेरी पोती है और अच्छा नाच रही है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर वो मेरी नजर में आ रही है, खुशी तो तुझे इस चीज की हुई जा रही है, पकड़ ली गर्दन। ये सूक्ष्म माया है कि हम छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते, अंदर से पकड़े रहते हैं, बाहर से लगेगा हम छोड़े बैठे हैं। बहुत ऊंची उड़ जाए ना पतंग तो डोरी भी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी तो जुड़ी पड़ी है। मोबाइल फोन है, तार कोई नहीं है, फिर भी तो बेतार के तार जुड़े हुए हैं। ये तेरे अंदर भी बेतार के तार जुड़े ही रहते हैं, हटता ही नहीं है मन वहां से। मेरे वाले की चर्चा करके देखो, मिश्री घुलती है मुंह में। हमको भी कई बार बताते हैं, आपका स्वरूप लगा है घर में, सारे बड़ी इज्जत करते हैं, सारे बड़े मत्थे टेकते हैं, सारे बड़ा, तो हमको कोई खुशी हो जाएगी क्या। वो तो घर में एक जड़ मूर्त तुमने रख दी कोई भी, पहले राम कृष्ण नानक रखे थे, अब हमको रख छोड़ा, क्या हो गया उसमें खुश होने वाली क्या बात है। हर कोई गॉड फेयरिंग है, चलो एक आस्था पे चलता ही है, वहां ना तो यहां से।
लेकिन जो भगवान अर्जुन को कहते हैं मुझे तत्व से जान, वो कितने हैं? वो कितने हैं बताओ जरा। और जो मुझे जानने निकला वो वापिस मुड़ ही नहीं सकता, वापिस कैसे जाएगा? वापिस नहीं जा सकता क्योंकि मुझसे मिलके एक हो जाएगा। अब ज्ञान के उस पहलू पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी माया कोई ना कोई जोड़े बैठे हैं, सारी संबंध बनाए बैठे हैं बेकार के। एक ने हमको वो दिया डियोसा, गीता भगवान ने मेरे को दिया था, गीता भगवान का है ये। गुरुजी को भी बात पता चली, हंसने लगे, बोले जो गीता भगवान की असली खुशबू थी वो तो नहीं ले आई है तेरे को देने के लिए, ये तो अभी लगा दोगे तो उड़ जाएगा। मैंने कहा हम तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, गीता भगवान का सूट है हमारे पास, फिर क्या होगा, सूट तो फिर भी शरीर पहनेगा। तुझे बोध किस चीज से होगा ये बताओ, या फिर तेरा इतना इतना भाव हो कि गुरु की किसी चीज को स्पर्श करते ही तुझे समाधि लग जाए, तो आपा भूल जाए, या तो इतना भाव बढ़ जाए। वो शिष्य जा रहा था ना गुरु के पास, आया, बेटी की शादी है, गुरु ने पुरानी टूटी जुत्ती पड़ी थी दे दी, ले ले जा, कुड़ता हुआ जा रहा, पुरानी टूटी जुत्ती और इससे मेरी बेटी की शादी होगी, गुरुजी भी पता नहीं क्या सोच के जुत्ती दे दी है, परेशान होता हुआ जा रहा था। सामने दूसरा शिष्य मिल गया, वो आ रहा था ऊंट पे चढ़ के, दूसरे शहर गया था व्यापार करने, लाखों कमा के आया था। उसके करीब आते ही कहता है आपके पास मेरे गुरु की कोई चीज है क्या, आपके पास गुरु की कोई चीज है क्या? बोला हाँ ये टूटी जुत्ती है, शादी के लिए गया था, गुरु ने दी है। कहता है जुत्ती मुझे दे दे, सारा माल इस बाब ले जा। ले गया, ये अंदर गुरु का दर्शन करने चला गया, जुत्ती साथ थी, अभी दूरी था। गुरुजी बोलते हैं मेरी समाधि के पास इसकी समाधि ना बनाना, मेरी कब्र के साथ इसकी कब्र ना खोदना। ये सोचता आ रहा है गुरुजी प्रसन्न होंगे जुत्ती लेके, मैंने मतलब इतनी कीमत की, करोड़ों रुपया दिया, लाखों रुपया दिया और जुत्ती ली, गुरुजी तो प्रसन्न होंगे। गुरु बोलते हैं नहीं, तुझे भी अहंकार है कि मैंने लाखों रुपए दे के गुरु की जुत्ती ली, कीमत की है। अब तेरा संबंध तेरे अहंकार से भी हो, गुरु तो वो भी नहीं बर्दाश्त करता। अगर संबंध की बात करें, गुरु तो तेरी मैं से भी तेरा संबंध बर्दाश्त नहीं करता, दर्शन भी नहीं करने दिए, उसको भगा दिया, बोला तुझे भी अहंकार आया कि तूने मेरी जुत्ती की कीमत डाली है, भाग यहां से। अब सोच के देखो गुरु की सोच कहां रहती है और हमारी सोच कहां रहती है। ये ठीक है कि तूने कीमत की गुरु की जुत्ती की, पर फिर अभी मान आ गया मैंने कीमत की, मैंने कदर की उनकी जुत्ती की, मैं संभालूंगा, अब आ गया अहंकार। और जब तक गुरु ने जतलाया नहीं शायद उसको ध्यान में भी नहीं होगा, ये कभी कभी हम कोई बाहर का कर्म करके खुशी में ही फूंड जाते हैं, विवेक काम ही नहीं करता, खुश हो गया वो जुत्ती लेके, और जरूर श्रद्धा तो होगी पर सूक्ष्म मन में जो अहंकार की लहर उठी वो गुरु ने पकड़ी। कई बार होता है ना, अब किसी ने एक बार प्रश्न किया था गुरुजी से, भाई निष्काम करते हैं कार्य करते हैं भगवान खुशी तो आती है। उन्होंने बोला खुशी अगर अहंकार का रूप ले गई तो मरे तुम, ये खुशी हो गुरु के वचन से किसी को फायदा हुआ, कोई रोता हुआ आया हंसा, पर अगर तुझे ये खुशी थोड़ी बढ़ गई और फिर ये अहंकार में तब्दील हो गई तो निष्काम में तेरी गति सकाम से भी बुरी हो जाएगी। बड़ा जागृत करने वाला ज्ञान है।
ये कोई हंसी ठट्ठे का खेल नहीं है यहाँ पर। कभी हम लोग सब बैठे रहते थे ना, कोई बात हो रही है, भगवान ने तारीफ कर दी किसी की, तो कोई मुंह नीचे कर लेता था, कोई चुप रहता था। भगवान कहते थे अंदर कुछ नहीं आया ना भगवान, सब आप ही का बोला, ये गाल क्यों फूले थे। मन को अपने भाव प्रकट करने के बड़े तरीके हैं। पकड़ लेते थे, बोले ये गाल फूले ना, मतलब प्रशंसा अंदर चली गई है, ऐसे तो नहीं फूलते। पर जैसे ही हमने बात की, गाल फूल गए तुम्हारे, प्रशंसा से संबंध जुड़ गया। कभी मन की वृत्तियां देखो ना, एक जगह ना लगाओ अगर इनको, तो ये दर दर की खाक उड़ाती हैं। एक बार तो भगवान ने यहां तक बोला था, बोले कि जैसे एक वैश्या है, जो सामने आ जाए उसी से मन लगा लेती है। तुम्हारा मन मुआ हर एक से ही लगता रहता है, क्या प्रशंसा से, निंदा से, अच्छाई से, बुराई से, तुम्हारा मन भी सबसे ही लग जाता। क्या स्थिति हुई तुम्हारी फिर? कंट्रोल योर सेल्फ, अपने को संयम में रखना है ना। क्यों संबंध जुड़ जाता है हमारा हर चीज से? अच्छाई से तो जुड़ जाते हैं, बुराई से तो जुड़ जाते हैं, यहां तक कि एक पिक्चर देख रहे हो उससे भी जुड़ जाते। कभी हीरो की तरफ हो, कभी हीरोइन की तरफ हो, कभी उनके मां, तुम उनके साथ क्यों जुड़ रहे हो? पर जुड़ रहे हो। अगर तुमसे पूछें तुम उनसे क्यों जुड़ रहे हो, तुम पिक्चर देखो दृष्टा होकर के, अगर उसमें आ जाएगा मां बाप बच्चों को तंग करें, जमाना ऐसा आ गया, फलाना ऐसा आ गया, देखोगे वो दो लवर्स को नहीं मिलने दे रही है, विलन बन गई लेडी कोई, ये मोटी बीच में आ गई ना, तुम काहे गालियां दे रहे हो भाई, पिक्चर है। पर तुम उतनी देर भी संबंध बना बैठते हो। कभी देखो कितना जुड़ने की आदत है हर चीज से, जहां बैठते हो संबंध जोड़ लेते हो, चाहे राग का चाहे द्वेष का। खाली रहता है अंदर वाला। तुम कहते हो मैं आत्माकार हूं, हम नहीं मानते। अभी आत्माकार का किसी से संबंध नहीं जुड़ता है, मानसिक तौर पर भी। वैसे भी संबंध मानसिक है, शारीरिक तो है कोई नहीं। कट्ठे पैदा हुए थे भाई बहन दो, फिर मान लिया, बता दिया, पता नहीं तुम चेंज होके आ गए अस्पताल से, वो चेंज हो आया, पर माँ बाप ने कह दिया भाई है, चलो भाई सारी जिंदगी घसीटो। मन ने ही तो माने हुए हैं संबंध, और जिनके मन ने नहीं माने हुए, सगे भाई बहनों का भी रिश्ता नहीं है, तो खेल तो मन का हुआ सारा। ये मन संबंध जोड़ता रहता है, सबसे ही जोड़ लेता है। जिसको मिलोगे, तू तो मेरी बहन जैसी है, तू तो मेरा भाई जैसा है, तू तो मेरा बेटे जैसा है, क्यों भाई? भगवान जैसा कोई नहीं नजर आता तुझे, सारे तुम्हें कोई ना कोई रिश्ते दिखने लगते हैं सबके अंदर। जहां बैठ जाओगे वहीं रिश्ता ढूंढ लोगे कोई ना कोई। गीता भगवान को लिखा था किसी ने, आप मेरी बहन जैसी हो, पलट के उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बोला मैं किसी की बहन नहीं हूं, मुझे भगवान के सिवाय देखना मत, आया मां भगवान, बस चुप हो जाओ उसके बाद। तुम्हारे दिमाग में संबंध घूमते हैं, जोड़ लें नाता, किसी से भी जोड़ लें, बात भी करो ना किसी से, कोई कहीं रह के आया है मोहल्ले में कोई, नहीं सारे अपने भाइयों जैसे हैं, सारे जानते हैं वहां तो मेरे को, मैं बेटियों की तरह प्यार मिला है मुझे, मैं तो बेटी हूं उस मोहल्ले की, मैं बेटी हूं उस गांव की, ओहो भगवान तो नहीं है ना? है भगवान ने? कितना सावधान रहते हो, अपनी गॉडहुड में कितनी देर जागते हो, एक ये विचार करके देखो। एक फोन आ जाए ना तुम्हारे पास, फोन पे बात करते करते ही बह जाओगे,
भूल गए तुम ब्रह्म रूप हो। हालांकि बोला गीता भगवान ने, घर दरवाजा खटकाओ, पहले सोचो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। तुम सोचोगे क्या, मैं मम्मी आई, मैं दादी आई, मैं चाची आई, मैं फलानी आई। अब जाते ही विक्षेपता आएगी अंदर, कुछ ना कुछ उल्टा हुआ पड़ा होगा। बोलते हो मैं भगवान आया हूं, भगवान तो दिन में तुम्हारे नजदीकों के भी नहीं निकलता एक बार। ये थॉट्स कितने गहरे हैं बताओ जरा, कितना अपने में गुम हो। सब में ध्यान पड़ा है, एक अपने में ध्यान नहीं है, बाकी सब में ध्यान है। अपने में ध्यान कब लगाओगे? ऐसे बोलोगे अंतर ध्यान लगाने वाले गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। कल भी भजन गाया अंतर ध्यान लगाने वाले, और मैंने देखा ध्यान बाहर जा रहा है, कौन आया कौन गया। अंतर ध्यान लगाने वाले, ले ओ भाई ध्यान लगा ही नहीं, गाया क्यों, झूठा भजन क्यों बताया। ध्यान तो लगता ही नहीं, गर्दन घूमती है, स्थिर तो होती नहीं वृत्ति। दाएं भी देखना है बाएं भी देखना है, सब तरफ मन जा रहा है, झूठा भजन क्यों बताया। लगा ध्यान अंदर लगा, गाते हुए भी नहीं लगता, आगे पीछे तो क्या लगता होगा। भगवान बोलते थे प्रलय हो जाए तब भी मुड़ के मत देखो। सत्संग में बैठे हो ना, सपोज प्रलय आ जाए, सामान गिरने लगे टूट टूट के, तो भी मत देखो। तुम्हें यही मरना है तो यही मरोगे, क्या करोगे फिर। सोचा कभी, इतनी गहराई से सोचा है? बन गए कुछ ना कुछ, जुड़ गया संबंध कहीं ना कहीं। दृश्य से भी संबंध जुड़ता है, देखो दृश्य है ना प्रभावित क्यों कर रहा, संबंध जुड़ गया तुम्हारा। कितने लोगों को देखो, कोई एंटर करता है उसको वहां सीढ़ी से उतारेंगे, यूं ले जाके जहां वो बैठेगा वहां छोड़ के फिर अपनी आंख हटाएंगे। थोड़ी देर के लिए दृश्य से भी संबंध जुड़ गया, जो देख रहे हो सामने दृष्टा भूल गया, फिर दृश्य से मन जुड़ गया। ये सीनरी अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, अरे इनमें कुछ साच्यो नहीं बिन भगवान, भूल गया। फिर भूल गई बात तुम्हें, फिर दृश्य ने आकर्षित कर लिया। भासता है ना ये जगत, सत करके भासता है तुम्हें, क्योंकि खुद जीवों के देखते हो फिर नाता बना लेते हो। कितना बड़ा प्रपंच हो गया। सावधानी जो हट गई, अब दुर्घटना घटनी घटनी। पूरा समय सावधानी रहे, तब बात बनेगी। एक ट्रक वाले ने लिख रखा था पीछे, सावधानी हटी मट्ठी चाय बटी। सावधानी हटी तो मरोगे, मट्ठी चाय खाएंगे ना लोग किराया वाले दिन 13वीं पे, बार मट्ठी चाय तो रख देते हैं सबके लिए, खाली ना जाएं लोग प्रसाद रूप। तो सावधानी हटी तो मट्ठी चाय बटी, पर यहां तो सावधानी हटी तो दुख की लहर उठी। सच छूटा तुमसे, फिर जीव भाव में आए, फिर अज्ञान में आए। तो संबंध तो कहीं नहीं जुड़ा होना चाहिए ना, जड़ चेतन से उपराम होके जियो। अलग हो जाओ हर बात से, मैं सुंदर मैं समझदार मैं पढ़ा लिखा मैं होशियार मैं भगत मैं बहुत श्रेष्ठ मैं बहुत अकल वाला मैं बहुत कार्य करता हूं, ये सब से संबंध है, एक एक विशेषण से जुड़े हुए हो।
मूली और आलू तो फिर भी पीला रहता है ना, छील दो छिल जाते हैं, मोटा छिलका उतार लो, सीताफल होता है उसका। तुम्हारी तो पता नहीं चमड़ी कितनी मोटी है, उतरती नहीं। कितनी परतें हैं, कितने विशेषण हैं, तुम खुद बताओ। तेरा मन अपने में आज तक भी कितने विशेषण मान के बैठा है, नहीं बैठा है? कह सकते हो मुझे अपनी किसी विशेषता का भान नहीं है, कहां मरा फिर, कहां निश्चय हुआ फिर? सिर्फ एक निश्चय की बात कह के भी तो अपने आप को खुश कर रहे हो, एक एक विशेषण से तो नाता है। दादा बोलते थे नाम बुला के दिखाओ लाख रुपया दूंगा, कोई किसी ने क्लेम ही नहीं किया आज तक कि दादा लाओ लाख रुपया, क्योंकि जिस दिन नाम भूल जाएगा लाख रुपया याद रहेगा क्या? दादा ने भी बड़ी रमस करी, कहते नाम भुलाओ लाख रुपया दूंगा। नाम भूल गया लाख रुपया लेने कौन आएगा, जो भूल गया स्वयं को। लेकिन भूलता ही तो नहीं, जो भूलने योग्य है वो याद रखते हो, जो याद रखने योग्य है वो भूल जाते हो। मैं भूलने योग्य है पर वो याद है, संसार भूलने योग्य है वो याद है, आत्मा याद रखने योग्य है, सारा दिन भूल पड़ जाती है। सबसे मन जुड़ा हुआ है, सबसे। तुम्हारे वाले मर गए उसकी हड्डियों से भी जुड़े हुए हो, किसको ठीक से हरिद्वार पहुंचाए हैं, नहीं जुड़े हुए हो। मुर्दे का भी ठीक से संस्कार हो जाए, मेरा मेरे वाले का है, पता नहीं जुड़ा तो मन कहां कहां हुआ। ये सब जुड़न आत्मा के निश्चय से खत्म होएगी। ये मत सोचना खाली रिश्तेदारों की बात सोच रहे हो, वो सत्संग आ जाएं, इतना ही जुड़न है। जुड़न तो बहुत दूर दूर तक है, यहां भी अपनी कुर्सी से जुड़न हो जाती है, और तो और छोड़ो चेयर्स फिक्स हो जाती हैं, ये मेरी कुर्सी ये तेरी कुर्सी, मैं यहां बैठता हूं मैं वहां बैठता हूं, यहां भी जुड़ा नहीं, यहां भी जुड़ गए। अब उसकी कुर्सी किसी ने हटा दी, उसकी गद्दी किसी ने उठा ली, तो मुसीबत आ गई, जुड़न तो यहां भी है। मन जहां बैठता है जुड़ जाता है। आओगे रहने, फलाना नहीं आया, फलाना क्यों, वो होता है तो मजा आता है, जुड़ गए, अच्छा लगता है, किसी किसी का साथ भी अच्छा लगता है। तुम सिर्फ अपने साथ आनंद में रहो ना, कैवल्य मुक्ति पे क्यों नहीं जाते? फिर यहां भी संबंध जुड़ गया, अरे फलाना तुम यहां होते हो बड़ा मजा आता है, मजा यहां मजे लेने आयो, आत्म सुख में रहने आयो, प्रैक्टिस करने आयो कैवल्य मुक्ति की, जीवन मुक्ति की, या संबंध जोड़ने आयो किसी से यहां भी, पर इनसे ही सुख लेना था तो अपने घर में अच्छे थे। अगर बाहर से ही मजा लेना था, वही कुत्ते वाला स्वभाव नहीं छोड़ना, हड्डी से ही रस लेना है, फिर यहां क्या करने आए? यहां तो हम इसलिए आए कि एक प्रयास में रह सकें स्वयं में। बच्चे को एकांत क्यों देते हो? ताकि पढ़ाई में पूरा मन रख सके। आपको यहां पर एकांत क्यों देते हैं? कभी कम लोग होते हैं, हम बोलते हैं आके अब रहो, क्यों रहो, अब साधना अच्छी होगी तुम्हारी, मन सिर्फ अपने में लगा रहेगा सारा दिन, भीड़ में भी विक्षेपता हो जाती है, स्वयं में रहो, कोई जगह फिक्स मत करो, मैं तो इधर सोता हूं, मैं उधर, मैं कूलर के आगे सोता हूं, मैं खिड़की के आगे सोता हूं, मैं पिलर के पास सोता हूं, मैं नंबर 1 पे सोता हूं, मैं नंबर 5 पे सोता हूं, जहां जगह मिले सो जाओ। आज तुम्हारे बिस्तर की जगह किसी ने अपना बिस्तर लगा लिया, वेरी गुड, एंजॉय दी चेंज, तुम एंजॉय नहीं करेंगे, दुखी हो जाएंगे। जहां हो जैसे हो मौज से रहो,
कभी कभी लाइट उड़ जाती थी, वहाँ लखनऊ हम लोग होते थे, लाइट उड़ जाती थी, भगवान बोलते थे आज छतों पे एंजॉय करो, बाहर लगा लो बिस्तर सो जाओ, मच्छर काटता है चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ो गर्मी लगती है गीली कर लो चादर सो जाओ। घर में कभी खराब हो जाता है फैन एसी क्या हो गया, जमीन पे बिस्तर लगाते हैं सो जाते हैं। उस दिन कोई कह रहा था आप लोग सो जाते हो ऐसे बैठ जाते हो, मैंने कहा हमको गुरुजी ने हर तरह से मोड़ तोड़ रखा है, कोई टेंशन ही नहीं होती कहीं भी, गर्मी में सर्दी में जहां मर्जी बिठा दो, जहां से मर्जी उठा लो, ना जमीन पे बैठने में परेशानी है ना तख्त पे बैठने में, किसी चीज से नहीं जुड़ना है ना, ये भी एक निर्लिप्तता का अभ्यास है। क्योंकि मन करता तो है फिर दुखी होता है, मुड़ता तो है परेशान होता है, इसका मतलब हम जुड़े हुए हैं ना, हर जुड़न से आजाद हो जाओ तभी तो भारीपन है। अभी वो उछाल क्यों नहीं आ रहा, आनंद क्यों नहीं आ रहा, भारीपन क्यों है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, नहीं धरती से 2 फुट ऊपर हो जाओगे आराम से, आकाश में ही पैर रखोगे। जब देह सहित सबसे नाता तोड़ दोगे, 5 विकारों से 5 विषयों से भी सबसे नाता टूट जाए, तब तुम केवल तुम हो। आई बात समझ में?